الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة المعارج चल रही थी और इसकी तकरीबन हम 21वीं आयत तक पहुँचे थे 19वीं आयत में अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान की फितरत उसकी अक्सर जो तबीयत रहती है या तबीयत तकाज़ा होता है जो उस पर उम्ममन गालिब आ जाता है उसका तज़किरा फरमाया इर्शाद हुआ था नल इंसान हलुआन बेशक इंसान को बड़ा बेसबरा हरीस बनाया गया है इज़ा मसर व जजुआन जब उसे कोई बुराई पहुँचती है तो सख्त घबराने वाला है वह वा इजा मनुआन और जब कोई भलाई पहुँचे तो रोक रखने वाला है यानी कंजूसी करता है रोक लेता है तो ये इंसान की उमन फितरत होती है कि जब उसके पास कुछ भी नहीं होता बड़ा घबराता है और शिकवा शिकायत करता है कलब इसतराब में मुबला हो जाता है बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जो बारगा है, इलाही में शिकव शिकायत और ज़बान एतराज़ दराज करने से भी बाज़ नहीं आते हैं और जब अल्लाह तबारा का वाला उनकी इस आर्जी और वक्ती परेशानी को दूर फरमा के एहसान अजीम फरमाता है तो वो तमाम बातें भूल कर उस नेमत जो अल्लाह ताला अब फरमा रहा है हासिल करने के बाद उस नेमत को पाने के बाद फिर उसको रोक लेते हैं और दूसरों तक नहीं पहुंचाते होना ये चाहिए था कि अपनी तंगदस्ती को हमेशा याद रखते कि जिस तरीक़े से वक्ती तौर पर आर्जी तौर पर एक परेशानी तंगदस्ती या रिस्क वगैरह में दीगर किसी लिहाज से रुकावटों की वजह से जैसा मैं परेशान हुआ मेरे मुझे जहनी टेंशन हुआ घर वालों को इसतराब पैदा हुआ ऐसे ही इस मुशरे में सैकड़ों गुराबा हैं मुझे उनकी परेशानी को भी दूर करना चाहिए उनके भी जहन को सुकून फराहम करना चाहिए लेकिन वो उसको भूल भाल जाता है और फिर वो बल्कि ये याद भी नहीं रखता कि कभी मुझ पर कोई तंगदस्ती आई थी वो समझता है कि हम तो मतलब वो ज़ाहिर भी करता है और उसको माजी याद ही नहीं आता और समझता है। हम शुरू से ऐसे हैं और कभी भी हम पर तंग वगैरह नहीं आई है जिससे मज़द उसका तकबर में इजाफ़ा होता है तो ऐसे बहुत से लोग आप देखेंगे कि जो पहले तंगदस्ती की शिकायत करते हैं फिर जब अल्लाह तबारा व तआला की करम नवाज़ी होती है और वो दुनियावी तरक्की हासिल कर लेते हैं तो इस तरक्की को फकत अपना कमाल करार देकर और गोया के मादल्ला यूँ साबित करना चाहते हैं बाज़ अव ऐसा होता है अल्लाह तै हम सब को महफूज़ फरमाए कि जैसे वो यानी जबान हाल से कह रहे होते हैं कि अल्लाह तारा ने तो हमें तंग दी थी लेकिन हमारी जहानत ने और हमारे बर वक्त दुरुस्त किए गए फ़ैसलों ने आज हमें देखो यहाँ तक पहुँचा दिया तो सारा क्रेडिट सारे कमाल को अपनी जानी मनसूब करते हैं और दूसरों से फिर रिस्क को रोक लिया जाता है हो जी हमें बड़ी मेहनत करके यहाँ तक आए हैं बाँटने के लिए पैसा कोई हमने जमा किया है बाँटने के लिए कोई पैसा हमने कमाया है हालांकि सोचना चाहिए कि दिया भी अल्लाह ने है सोच भी अल्लाह ने नेता फ़रमाई थी इसी तरह जब आप काम कर रहे थे बिज़नेस कर रहे थे तो आपको बहुत सारे हादसा से किसने बचाया था अल्लाह ने बचाया था लिहाजा गराबा का एक हक अपने माल में ज़रूर रखना चाहिए था लेकिन इंसान उमूा ऐसा नहीं करता इसके बरक्स बहुत से ऐसे होते हैं जिन पर अल्लाह की खसूस करम नवाजी होती है वो नकामाल भी करते हैं वो अपने माल में से गुरबा के लिए हक भी एक कायम कर लेते हैं इसके अलावा वो इबादात इस्तकाम हासिल करते हैं कभी भी तकबर उनके कलब में पैदा नहीं होता हमेशा आर्जी इनके सारे के दामन को थाम कर रखते हैं उनका आगे फिर अल्लाह ने तस्करा फरमायामसिन मगर नमाजी हजरात अल्लीन हम अलामद इमून जो अपनी नमाज के पाबंद हैं की करने वाले हैं अब उनकी मदह बयान फरमाई ये तो आम इंसान का मामला है लेकिन जो तकवा पर इख्तियार करे अल्लाह ताली की इबादत अख्तियार करे और उनकीत ये है कि वो अपनी नमाज़ पर हमेशा दवा इख्तियार करते हैं वलदी फ़ी अम्बाल हकमूम और वो जिनके माल में एक मालूम हक़ है मालूम हक़ है यानी उन्होंने कुछ अपने माल का हिस्सा कुछ लोगों के लिए मखसूस कर रखा है गोया कि वो कहते हैं कि भाई इतना जो है ना ये तो पहुँचेगा फुला-फुला को तो गोया कि ये एक ऐसा हक़ है जो उनको मालूम है यानी उन्होंने अलहदा करके मुन कर दिया है और किस लिए ल सा साल वमहरूम सा के लिए और महरूम के लिए यहाँ दोनों कैटगरीज़ का ज़िक्र कर दिया गया साइल से मुराद वो फ़रा हैं वो गुराबा हैं जो तलब करते हैं कि जी हमें हमारी मदद कीजिए दे दीजिए और महरूम से मुराद वो साइल है कि अगर ना मांगे तो उमूमन लोग उसको महरूम रखते हैं जिसको आप सफ़ेद पोश के नाम से ताबीर करते हैं कि हमारी आदत है कि हम चाहते हैं कि लोग हमारे सामने हाथ फैलाएँ अपनी मोहताजी का अपने दर्द का इजहार करें तब हम कहीं जाके के हिज़ नफ्स महसूस करते हैं फिर अपना जहन बनाते हैं और देते हुए उसे मजीद जलील करके फिर उसको वो पैसा दे दिया जाता है इसके बरक्स हज़ारों ऐसे लोग होते हैं बल्कि अपने मोहल्ले में देखिए अपने ख़ानदान में देखिए जो सफ़ेद पोश होते हैं गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है तंगदस्ती के साथ हो रहा है टेंशन फ़िक्रें हैं लेकिन वो किसी के सामने जाहिर नहीं करते तो हम उन्हें खुशपोश और ख़ुशहाल महसूस करके उनकी इमदाद की तरफ़ माइल नहीं होते तो इस वजह से वो लोग महरूम रह जाते हैं तो फिर फकीर और मसाकिन दो तरह के हुए एक वो जो अपनी मस्कनी अपनी फ़कीरी को ज़ाहिर करके आपसे कुछ तलब करता है और दूसरा तलब तो दूर की बात वो अपनी फ़कीरी और मस्कीनी को भी छुपाता है और इस वजह से अक्सर वह महरूम हो जाता है लेकिन अल्लाह तबारकवा तिन लोगों की मदह बयान फरमाई वो अल्लाह ने फरमाया कि इनकी एक खसूसियत ये भी है कि अगर कोई मांगता है उसे भी आता फरमाते हैं और अगर कोई नाम मांगे और उसकी बिना पर महरूम रह जाने का अंदेशा हो इसको सफ़ेद पोश कहते हैं तो तजस करके और मतलब जस्तजू करने के बाद ढूंढ करने के बाद ढूंढ तलाश के बाद ऐसे लोगों को पाकर उनकी भी इमदाद करते हैं हमारे अकाबरीन की आदत करीमा थी कि जब वो किसी शख्स को देखते कि वो तंग दस्त है और अपनी तंग दस्ती का इजहार नहीं कर रहा है तो उसकी सफ़ेद पोशी का भरम रखने के लिए रात में चुपके से उसके घर के पास जाके एक पोटली में पैसे से बांध कर और उसे घर के सहन में फेंक दिया करते थे को रुका वगैरह लिख देते थे कि भई अगर आप कबूल कर लेंगे तो हमारी तरफ से एहसान होगा ये समझें अल्लाह की गैबी इमदादे आपके लिए इससे उस शख्स की इज़्ज़त पर रह जाती थी पर्दा रह जाता था उस अंदर वाले शख्स को ना पता चलता कि कौन ये फेंक कर चला गया और किसने मेरी मदद की है हमारा मामला ये है कि पहली बात तो हम मोहताज की इजहार मोहताजी का इंतज़ार करते हैं और अगर वो ना करें तो हम उसको महरूम कर देते हैं और या फिर अगर कोई ऐसा है कभी दरिया सखाव जोश में आया और हमने कहा कि चलो यार फुला रिश्तेदार मांग तो नहीं रहा लेकिन ज़रूर तंगदस्त होगा फिर भी ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि वो उसका हमारा ये इमदाद करना और उसका हमारी इमदाद को कबूल और वसूल कर लेना ये बकिया लोगों पर ज़ाहिर हो जाए तो सुनाते हैं ज़रा उसको फिर इशारतन किनायतन किसी भरी महफिल में बोल भी देते हैं तो इससे बेचारा उससे उसकी इज्जत नफ्स इंतहाई मजरूह होती है और उसकी सफ़ेद पोशी का भरम कायम नहीं रह पाता ये कतान गैर मुनासिब है तो अल्लाह ने मदह फरमाई के वलना फ़ी अम्बाल हक़ुम मालूम और वो जो अपने मालूम वो वो लोग के उनके मालों में एक मालूम हक है लसली वालरूम मांगने वाले के लिए और उसे जो बग़ैर मांगे महरूम रहता है वल लज़ीना उस वक्त यून अब दीन और वो जो क़ियामत के दिन की तस्दीक करते हैं यानी उसे सच्चा करार देते हैं ये भी उनकी खसूसियत है वलना हम अव रबिम मुशफ़ून और वो जो अपने रब के अजाब से डर रहे हैं खौफज़दा हैं कि अल्लाह ताला की गरफ ना हो जाए अल्लाह में अजाब में मुबला ना फरमा दे डरते हैं इन अजाब रबिम बेशक इनके रब का अजाब नडिर होने की चीज़ नहीं यानी ऐसा अल्लाह का अजाब ऐसा नहीं कि जिससे इंसान अपने आप को मामून और महफूज तस्वर करके उसके खौफ को निकाल दे लिहाज़ा अल्लाह के आजाब से डरना ही चाहिए बल्कि कसीर मकाम पर जैसे अल्लाह ने फरमाया युहदिनतल ए लोगो ए ईमान वालो अल्लाह डरो, इससे मुराद उसके अजाब से ही डरना है और ये अमर का सीगा है लिहाजा अल्लाह के आजाब से डरना ये हम पर वाजिब है लिहाजा इसीलिए फकह ने फरमाया कि अगर किसी को अल्लाह के अजाब से डराया जाए और वह कहे कि मैं तो नहीं डरता हूँ मुझे कोई परवाह नहीं है तो गोया कि वो अल्लाह ताली के उन अहकाम को फरामोश कर रहा है उनको नज़रअंदाज कर रहा है उनका इनकार कर रहा है कि जिसमें अल्लाह से डरने का हुक्म दिया गया तो उसकी इस बदतमीज़ी की बिना पर और अल्लाह ताली के अज़ाब को मामूली और हक़ीर जानने की बिना पर फ़ोक़ाह ने फरमायाक्म कुफर दिया जाएगा इसको तजदीद ईमान करना होगा तजदीद निकाह भी करना होगा लिहाजा कतान अल्लाह ताला के आज़ाब को मामूली गुमान करते हुए या अपने आप को उसकी गरीब से महफूज तस्वुर करते हुए कभी भी तोहीन आमेज़ गली नहीं कहने चाहिए अगर सुनने वालों में से किसी की ज़बान से कभी निकल गए हों दानिस्ता या ना दानिस्ता फ़ौर तोबा करें तो आगे शायद फरमाया वदीना हमल फ़रूज हिम और वो लोग जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं अजवाजहम मगर अपनी अजवाज पर अमामगत आईमान हम या अपनी कनीज़ों पर फ़ाँम गैरु मलोमिन तो बेशक उनको इस पर कुछ भी मलामत नहीं है यानी अपनी जो तकाज़ बशरीत है या तकाज़ नफसानी नफसानीय जो आप कह लें उसको कि मतलब तो जो आदमी अपनी ज़रूरत पूरी करना चाहता है तो अल्लाह तुझ जायज़ तरीक़े मुकर कर दिए हैं उन तरीक़ों को छोड़ कर किसी और तरीक़े को अख्तियार करना ये नुकसान का बास होता है लिहाजा वो पहले दौर में कनीज़ें और लॉन्डियाँ भी हुआ करती थी अब तो उसका तस्वुर ख़त्म हो गया लिहाजा जोजा एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसके साथ आ, करीब होना अल्लाह तारा ने हलाल कर दिया है इसी तरह औरत के लिए शोहर अल्लाह की एक नियमत है कि उसके बाद इंसान हराम ज़रा से अपने तकाजाए बशरीत पूरे नहीं करता है या तकाजाए बातनी पूरे नहीं करता है बल्कि हलाल तरीक़े से कर लेता है लिहाजा उनकी भी मदह फरमाई कि जो बुराई से बच कर अपने अजवाज से ही ताल्लुक क़ायम रखते हैं या अपनी कनीज़ों से ताल्लुक क़ायम रखते हैं तो ये भी काबिल मदाह हैं फवानी बरा अजफ़ा उल एकदून बस जो शख़्स तलाश करें इन औरतों के अलावा को यानी बीवियों और कनीज़ों के अलावा को फाउलाए का उल्लाका हमूँन तो यही लोग हद से बढ़ने वाले हैं तो इसमें हर वो अमल हर वो चीज़ आ जाती है कि जो अपनी शर्मगा के तकाज़े को पूरा करने के लिए इंसान शरय इजाज़त के बगैर इख्तियार करता है लिहाजा उसकी तफसील तकरीबन जो हमारे थोड़ा सा भी दीन से शगव रखने वाले हैं या माशरे में रहते हैं हिस्सा उनको पता है कि क्या चीज़ हलाल है, क्या हराम है, वो बसानी जान सकते हैं वल्ल दीना हम लमा नात हिम वाहम रून और वो लोग जो अपनी अमानतों और अपने अहद की यानी वादों की हिफाजत करते हैं अमानत की हिफाजत का मतलब जैसे अमानत बे ली बेनी उसको वापस कर देते हैं उसमें ख़यत नहीं करते हैं तो ये अमीन लोगों की भी अल्लाह ने मदह फरमाई ये भी याद रखें कि पहले दौर में चूँकि जमन एक मसला अर्ज़ कर देता हूँ पहले दौर में सोने और चांदी के सिक्के चलते थे और ये नए जो होते थे बिल्कुल पूरे वजन के होते थे लेकिन पुराने सिक्के गिरने की वजह से कसरत इस्तेमाल की वजह से घिस जाया करते थे तो इनके वज़न में थोड़ी बहुत कमी आ जाया करती थी झड़ गया साइड से घिस गया पहले दौर का सोना और चाँदी था तो इसलिए हुक्म शर्यी उस ज़माने में ये था कि अगर किसी ने अपना सोना या चांदी के सिक्के आपके पास अमानता रखवाए तो इसमें आप तसरफ नहीं कर सकते यही बेन ही वापस करने होंगे क्योंकि उस ज़माने में सोना चांदी अगर बिलफत आपने लिया और आपने सोचा चलो ख़र्च कर लेता हूँ जब वो मांगेगा उतने दे दूँगा हो सकता है जो लिए थे वो ज़्यादा वज़न के हों और जो आप दे रहे हैं वो पहले के मुकाबले में थोड़े कम वजन के हों तो इससे फिर इमानत पे खानत का एक तस्वुर पैदा हो सकता है या इसका शाइबा हो सकता है लिहाजा पहले दौर में तो इसको बना किया गया आज हमारे दौर में जो कागज़ का नोट चल रहा है ये अगर नया हो तब भी वही कीमत होती है पुराना हो तब भी वही सौ रुपये का नोट है दोनों सौ के लाएँगे बराबर होते हैं लिहाजा इस आज के दौर में अगर किसी ने किसी का कैश पैसा अमानता रखा हो तो चूँकि इसमें तब्दील कर लेने की बिना पर कीमत या वज़न में कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता है लिहाजा अब बेन ही उसी पैसे को देना लाजिम नहीं है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको इजाज़त दे रहे हैं कि किसी की अमानत आपके पास आए तो आप उसको अपने ज़ाती कामों में इस्तेमाल कर लें ऐसा नहीं कर सकते मालिक की इजाज़त के साथ आप कर सकते हैं या अगर आपको गालिब गुमान है कि मैं ख़र्च कर लूँगा तो मालिक बुरा महसूस नहीं करेगा वो इतना क्लोज़ है तो फिर आप कर भी सकते हैं लेकिन हमारी गुफ्तु सिर्फ इस बात में हो रही है कि जो पैसा हमारे पास रखवाया गया क्या वापस लौटाते हुए बेनी यही पैसा लौटाना होगा या बदल कर भी पैसा दे सकते हैं तो बदल कर भी दे सकते हैं क्योंकि पैसों में नोट की तब्दीली की बिना पर कोई कीमत में कमी बेशी का तस्वुर पैदा नहीं हो सकता है हद और वो अपने अहद की रियायत करने वाले हैं यानी वादा पूरा करते हैं वादा पूरा करना याद रखें कि ये वाजिब है इस पर आखिरत में गरफ भी होगी लेकिन ये अच्छी तरह याद रखिएगा कि वादा अगर किसी ने किया मसल में कल आपसे मिलूँगा परसों मिल लूँगा अच्छा फलां चीज़ आपको दे दूँगा तो इससे वो कज़ा अन यानी काजी की अदालत में काबिल गिरफ्त नहीं होगा उसका मुआज़ा नहीं कर सकते हैं यानी आप ये नहीं कह सकते हैं काजी साहब के पास जाकर के जी इसने मुझसे वादा किया था कल मिलूँगा और वादा खिलाफी कर दी इसको जेल में बंद करा दें तो वादा तोड़ने पर कोई सज़ा शरा दुनिया में नहीं है हाँ आख़रत में अल्लाह ताली ग्रफ फरमाएगा अगर जानबूझ तोड़ा गया होगा तो, तो इसलिए पहली बात तो याद रखिए कि वादे के लिए कोई लफ्ज़ वादा कहना ज़रूरी नहीं होता बल्कि वादे का मतलब है इकरार आप दिल में पुख्ता इरादा करके ज़बान से उसका इकरार भी कर लें तो इसको वादा कहते हैं जैसे आपने कहा अच्छा मैं उसने कहा किसी ने कहा यार कल मिल लो भाई ज़रूरी काम है आपके दिल में पुख्ता इरादा है आपने कहा ठीक है मैं कल मिलता हूँ तो ये पुख्ता इरादा कल भी पुख्ता इरादा और ज़बान के इकरार मिल गया ये वादा हो गया अगर आपने सिर्फ दिल में सोचा है पुख्ता इरादा किया है तो ये इरादा है वादा नहीं है तो वादे इरादे में ये फ़र्क़ होता है तो बहरहाल अगर आपने किसी ने भी वादा किया और अगले दिन फिर मसलन किसी जगह जाने का वादा था और उस वक्त में भूल गया अचानक कोई बहुत ही इमरजेंसी आ गई जिसकी बिना पर निकल नहीं सकता था तो फिर ये वादा खिलाफी नहीं कहलाएगी और इस शख्स गुनाहगार नहीं होगा और अगर बिला किसी उज़र के वादा कर लिया है उज़र भी कोई नहीं है नहीं जा रहे जानबूझ कर अब इस सूरत में गुनाहगार भी होगा तो अब इससे वो भाई बहन ज़रा दर्श हासिल करें ये खुसूसन जो मकैनिक हजरात होते हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का काम करने वाले ये किस्म के लोग जो होते हैं ये झूठे वादे करते हैं कल बस आप आके ले जाइएगा हालांकि दिल में होता है कि कल ठीक करके नहीं देना है क्योंकि बड़ी पार्टियों में काम आए हुए हैं लेकिन वो जल्दी फंसाने के लिए ग्राहक को वो ले, ले लेते हैं अब बेचारा कल आएगा जी परसों आइएगा तरसों आएगा या दुकान से गायब हो जाएंगे इस तरीके से एक आध हफ़्ते बाद उसी टाइम पर देना है जो पहले जहन में था लेकिन ज़बान से झूठ बोल कर और फिर उसके बाद वादा खिलाफ़ी होती है इससे इंसान गुनहगार होता है इस किस्म की हरकत को छोड़ देना चाहिए वलिन हम भी शहा और वो जो अपनी गवाहियों पर कायम हैं इन्हें जो गवाही देते हैं उस पर क़ायम रहते हैं इससे मुरादे है तो वैसे किसी माली मामले की या किसी दीगर मामले की गवाही है या फिर आ, वो गवाही से मुराद है अल्लाह तबारक व ताली उसके रसूल के हक़ होने की गवाही और उस पर इस्तकाम पज़ीर होना व लदीन हम अलाम युहाफ़ि और वो जो अपनी नमाज की हिफाजत करते हैं उलाई कफी जन्नतम मुकरमून ये हैं जिनका बागों में एजाज़ होगा यानी जब वो जन्नत में जाएंगे जन्नत के बागात में उनका उनके हक़ में एजाज़ी मतलब समझ लें महाफिल होंगी तकरीबात होंगी उनका बड़ा उनकी शान बढ़ाई जाएगी फ़माल लदीना कफ़ारूक का महतिन तो इन काफिरों को क्या हुआ कि आपकी तरफ तेज़ निगाह से देखते हैं अनिल यमीनी वानश अज़ीन दाएँ और बाएँ ग्रोह के ग्रो यानी ये जो कुफ़ार हैं ये नबी करीम अलैहि वसल्लम को कहर भरी निगाहों से देखते थे मुंतर होते थे कि कोई नुकसान पहुँचा सकें तो अल्लाह तबारकवा तैयार ने इनकी इस हरकत की मजम्मत फरमाई तऊ कुलुम रिन युदला जन्नत नईम क्या इन में से हर शख़्स ये तमा करता है लालच करता है कि वो आराम और चैन के बाग़ में दाखिल किया जाएगा कल्ला हरगिज़ नहीं जैसे कि आप पहले भी कई इस तरह मज़ामी गुज़र चुके हैं कि इनके सरदारों को जब समझाया जाता था कि तुम बात मानोगे नहीं मानोगे तो अजाब जहन्नम होगा और मान लोगे तो तुम जन्नत में जाओगे मैदान महाश्र में तुम्हें इज़्ज़त मिलेगी तो वो बोले बोलते थे कि नहीं अगर हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे जैसे दुनिया में हम बाज़त हैं तुम देखना कि हम मैदान महाशर में भी होंगे ये ज़ोम था उनको कि ऐसा हो ही नहीं सकता अगर हम उठेंगे भी तो ये हमारी सरदारी कायम रहेगी कल्ला हरगिज़ नहीं इ ना हलक नाह हम मम्मा यामून बेशक हमने उन्हें उस चीज़ से बनाया है जिसे जानते हैं जिसे ख़ुद जानते हैं यानी एक पानी की बूंद से अल्लाह ताली ने बनाया है तो अब इनका ये कहना है कि हम मैदान महाशर में उठेंगे और बड़ी शान के साथ उठेंगे और अल्लाह ताला अगर बिलफत को जन्नत है तो हम जन्नत में जाएंगे तो ये किस वजह से किस चीज़ के बलबूते पर ये दावा कर रहे हैं अगर ये समझते हैं कि हम अल्लाह ताला ने जिस चीज़ से हमें पैदा किया वो इसका सबब है तो ऐसा तो नहीं है आ ये तो फिर आ, मतलब हर शख्स जो है वो पानी से ही पैदा किया गया है तो इसका मतलब सबके सब जन्नत में जाने चाहिए और सबको आखिरत में मकाम व मरातब मिलने चाहिए ये नहीं तो अल्लाह ने इसका रद्द करते हुए फरमाया कि असल में जन्नत और जहन्नम में जाने का मैार कुफर और इस्लाम है तो ये अल्लाह ताला तो ने फरमाया कि इन्ना ख़लक ना हम मम्मा यामून बेशक पैदा किया हमने उन्हें उस चीज़ से जिसे वो जानते हैं कि खुद ही जानते हैं कि हमें एक पानी की बूंद से पैदा किया और पानी की बूंद में फिर नफसी को ऐसा कमाल नहीं है कि जिसके बाद कोई उसके ऊपर मुरतब होने वाली शय या उसकी वजह से मारे वजूद में आने वाली शय को अल्लाह तरूर इनाम अतः फ़रमाएगा इसमें तो सब इंसान बराबर हैं बल्कि असल जो मैार खुदाबंदी है वो कुफ़्र और इस्लाम होगा फ़ला उकसम बबिलमशरम इलाका तो मुझे कसम है उसकी जो सब मशारिक और मगारब का मालिक है इ नलका कि ज़रूर हम कादिर हैं किस बात पर अलाबिला इस बात पर कि इन से अच्छे बदल दें यानी अल्लाह तै फरमाता है कि अल्लाह ताला यकीन इस बात पर कादिर है कि इनको मार दे और इनकी जगह एक और कौम को लिया जो मोती और फरमाबरदार होगी वमा वमानाबी मसबुक़ी और हम से कोई निकल कर नहीं जा सकता कोई राह फिरारखतीय नहीं कर सकता लिहाजा डरना चाहिए तो इसमें वाजह तौर पर बता दिया कि एक तो जन्नत में जाने का आ, मदार जो है वो ईमान पर है ईमान की बगैर कोई जन्नत में नहीं जा सकता दूसरा ये कि अल्लाह तबारक व ताली ने हमें एक ऐसी चीज़ से पैदा किया है कि फिर नफसी उस चीज़ के अंदर जन्नत या जहन्नम में जाने के सिलसिले में कोई कमाल पोशीदा नहीं है ईमान या कुफुर की बिना पर इंसान जाएगा इन श्या इस पर सिलसिला कला जारी रखेंगे कल के प्रोग्राम में वाखर दावाना अनिल रबालमीन